बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विलाज देसी पकवान में खुश आमदीद। आज मैं बना रही हूँ लब्बे शीरी और इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया था और इसमें से थोड़ा सा दूध ठंडा बचा लिया। अब इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर शामिल कर देंगे और 5 से 6 खाने के चम्मच इसमें चीनी शामिल करेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी। दूध अच्छी तरह बॉयल हो गया है। अब ये जो ठंडा दूध रखा था इसमें 3 खाने के चम्मच कस्टर्ड पाउडर शामिल करेंगे। मैंने बनाना फ्लेवर लिया है, आप स्ट्रॉबेरी कोई भी ले सकते हैं। इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इस दूध में थोड़ा करके शामिल करेंगे और साथ मिक्स करते जाएंगे। अब दरमियानी आँच पर इसे 8 से 10 मिनट तक पकाएंगे। यहाँ पर 1/2 पैकेट मैंने रंगीन सेवइयां ली थी, उन्हें बॉयल होने के लिए रखा हुआ है। 8 से 10 मिनट हो गए इसे पकते हुए। कस्टर्ड हमारा तैयार है, अब इसे नीचे उतारते हैं और ठंडा होने के लिए रखेंगे। यहाँ पे जो हमारी रंगीन सेवइयां थी वो भी अच्छी तरह पक गई हैं, अब इसे छानते हैं। यहाँ पे 1/2 पैकेट मैंने रेड जली का लिया है और 1/2 पैकेट ही ग्रीन जली का लिया है। अब इनमें बॉयल पानी शामिल कर देंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और अब इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। कस्टर्ड रूम टेम्परेचर में आ चुका है। अब यहाँ पे जो सेवइयां बॉयल की थी वो इसमें मिक्स करेंगे। यहाँ पे सेब लिए थे मैंने, उन्हें काट लिया है, वो इसमें डालेंगे और साथ में केले। यहाँ पे जेली को काट लेंगे, किसी भी शेप में आप काट सकते हैं। ये रेड चिली भी काट ली है, इसे भी इसमें शामिल करेंगे। यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं वो इसमें डालेंगे। किशमिश है, नारियल है, बादाम है और अखरोट है, इन्हें बारीक काट लिया है, ये इसमें डालेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार लब्बे शीरी बनके हमारा तैयार है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर हाज़िर होंगे एक और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।